नमस्कार, मारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सत्तू मसाला स्टफ्ड भिंडी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये फटाफट बन भी जाती है। भरवा भिंडी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। भरवा भिंडी जब भी बनाएं तब छोटी भिंडियाँ ही छांट कर लें। ये कच्ची होती है और भरवा बनाने के लिए सही रहती है। भिंडी को धोकर सुखा लिया है। अब ऊपर का हिस्सा काट कर हटा देते हैं। नीचे का हिस्सा मैं नहीं हटा रही हूँ, यदि हटाना चाहें तो आप हटा दें। अब भिंडी के बीच में लंबाई से एक कट लगा देते हैं। इस तरह सारी भिंडियों में मैं कट लगाकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारी भिंडी में कट लगा लिया है। अब स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बोल में आधी कटोरी चने का सत्तू ले रही हूँ। ये वही सत्तू है जिसे सत्तू का ड्रिंक बनाया जाता है। अब इसमें एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक और अदरक और लहसुन को दरदरा कूट कर लिया है, ये डाल देते हैं। सारे मसाले सत्तू में मिक्स कर लेते हैं। मसाले को टेस्ट कर लें, यदि कुछ भी कम लगे तो और डाल दें। अब इसमें थोड़ा ऑयल डालकर मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला सूखा ना रहे। एक भिंडी लेकर इसमें मसाला फिल कर देते हैं और प्लेट में रख देते हैं। इस तरह एक एक करके सारी भिंडी में मसाला फिल कर देते हैं। मैंने सारी भिंडियों में मसाला फिल कर दिया है। एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। एक एक करके सारी भिंडी पैन में रख देते हैं। फ्लेम लो मीडियम ही रखें। अब ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। 3-4 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा देते हैं और सावधानी पूर्वक आराम से भिंडियों को पलट देते हैं। अब भिंडी को ढक्कन हटाकर ही पकाएंगे ताकि भिंडी में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। भरवा भिंडी 2 या 3 बार से ज़्यादा ना हिलाएं, लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकने दें। हमारी सत्तू मसाला स्टफ्ड भिंडी तैयार हो गई है। गैस ऑफ कर देते हैं और भिंडी को दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। आपको मेरी सत्तू मसाला स्टफ्ड भिंडी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।